समाचार के विशेष रिपोर्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज मैं केरकर चैरिटेबल ट्रस्ट और साक्षात फाउंडेशन में आया हूं। यहां पर एक बड़ा सा पंडाल है और माता रानी का दरबार सजा हुआ है। सबसे बड़ी बात बता दें कि आज पांचवा दिन है नवरात्रि का और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता हैं वो और राम कुमार पाल जो साक्षात फाउंडेशन के फाउंडर हैं। आपको बता दें कि मैं यहाँ पर नवरात्रि में पहुँचा हूँ और एक बड़ा सा एक यहाँ पर चंडी महायज्ञ हो रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे और यहाँ पर कितने वर्षों से ये हो रहा है ये इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ राम कुमार पाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, ये जो बड़ा सा मतलब नवरात्रि आप लोग कर रहे हैं, बड़ा सा पंडाल सजाया है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये तो माँ की सेवा के लिए हम लोग करते हैं और करीबन 25 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस बोरीवली में दूसरा साल है और बाकी हर माँ के तीर्थों पे और शक्तिपीठों पे किया हुआ है। और लोग में संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति जगाने के लिए और डांडिया के विरोध में हम ये हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। और निःशुल्क यज्ञ है, यज्ञ हवन भोजन भंडारे में कोई शुल्क नहीं लेते हैं, निःशुल्क। अब बात करें अगर इतने बड़े मतलब जो पंडाल सजाया गया है और इतना बड़ा तैयारी है, कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? ये 10 दिनों पहले हमने तैयारी चालू की। 10 दिन में ये पूरा हो गया? यस। कितने वर्षों से मनाते आ रहे हैं? हम तो मना रहे 25-30 वर्षों से, लेकिन यहाँ पे दूसरा वर्ष है। और मतलब अभी तक में कितने लोग आ गए होंगे दर्शन के लिए? लगभग रोज 600 लोगों का एवरेज। 600 लोगों का? हाँ। और जो भंडारा प्रत्येक दिन हो रहा है वो कितने लोगों के लिए बनाया है? वो भी 1000 के लिए बनता है। 1000 के लिए बनता है? 1000 के लिए। जो लोग आए मतलब पाक के जाए ऐसा। और चंडी महायज्ञ का क्या यहाँ पर है, जो मतलब लोग आते हैं जैसे उनको पूजा करना है, अगर महायज्ञ में शामिल होना है तो? यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है, अब अपना आए श्रद्धा से बैठे और धोती पहन के आए, माताएं साड़ी पहन के आए और यज्ञ में बैठे। और यज्ञ में सुबह 11 से लेकर 1 यज्ञ होता है हवन, और शाम को 4 से 6 यज्ञ होता है, और सुबह 8 से 11 पूजन होता है, और शाम को 3 से 5 पूजन होता है, और उसके बाद 6 से लेकर 7 बजे तक आरती होती है, और उसके बाद फ्री भंडारा सबको दिया जाता है, कोई भी हो उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। आधुनिक ज़माने में कहीं ना कहीं लोग समय नहीं दे पाते हैं पूजा पाठ पे, और घर में लोग इतना भी समय नहीं दे पाते हैं, और यहाँ पर एक बड़ा सा आपने पंडाल बनाया है माता रानी का, मतलब बड़ी मूर्ति है, क्या कहना चाहते हैं लोगों को, क्या कहना चाहते हैं? आप तो 3-4 दिन से देख रहे हैं, रोज़ फाइट ले रहे हैं, आज 500-700 लोग रोज में शाम में आते हैं और लाभ लेते हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये हमारी सोच ये कि 500-700 नहीं, 5 लाख लोग हों, 5-6 हज़ार लोग हों, ऐसी संख्या बढ़नी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ कर रहे हैं। आगे 4 दिनों तक क्या क्या यहाँ पर प्रोग्राम है इसके बारे में बताएं? यज्ञ होने और 9 दिन के कन्याओं का पूजन है, और करीबन 90 कन्याओं का पूजन का सोचा हुआ है, अब माता रानी उसके लिए सक्षम करे। महाभंडारा कब है? दशहरे के दिन। और दशहरे के दिन ऐसा मतलब यहाँ पर ये विसर्जन का यहाँ पर क्या? विसर्जन समुद्र में होगा, पंडित लोग विसर्जन करते हैं वहीं पर। हाँ। ये जितने भी पंडित हैं वो कितने के संख्या में और कहाँ से आए हैं? ये 51 पंडित है और मथुरा से आए हैं, और आचार्य जी शारदा पीठ MP से है, और माता जी की 9 कुंड बने हैं, 9 कुंड का अपना अपना महात्मा है, और 9 रात्रि मतलब 9 रात्र गुजरने के बाद दशहरा मनाया जाता है। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग आए? लोगों को सम्मिलित होने के लिए मैसेज देना चाहता हूं, और आए संस्कृति से जुड़े, संस्कृति को बढ़े, संस्कृति को समझे, और सारे लोगों को शुभकामनाएं, मुंबई के और दादर नगर हवेली के सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कुछ सर क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मैं शैलेश श्रीवास्तव एडवोकेट हूँ, और आज के इस भौतिकतावादी युग में जहाँ पर सारे लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और धर्म से और अध्यात्म से पीछा छूटता जा रहा है, ऐसे समय में विषम परिस्थितियों में रामबाई और उनकी टीम ने ये जो नवकुंडी चंडी महायज्ञ इसका आयोजन किया है और इतने बड़े पैमाने पर किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर आने पर इन 9 दिनों में देवी का जो प्रभाव होता है वो आप स्वयं में हम महसूस करेंगे। तो जरूरी जरूरत यह है कि हम जो हमारी नई पीढ़ी है जो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है या दूर है, हम उनको धर्म से जोड़ें, उनको महत्व बताएँ। बहुत सुंदर अगर आप देखें यहाँ तो 9 कुंड हैं जिसमें सुबह शाम मथुरा से आए हुए विशेष पंडित जी लोग जो हैं उनके द्वारा इस यज्ञ का आयोजन होता है, और उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी को बिना भेदभाव के यहाँ पे जिस भंडारे का आयोजन किया है, तो ये सारी बातें अपने आप में बहुत सराहनीय हैं, और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएँ और इस आयोजन का लाभ लें, और
प्रभु से अपने आप को जोड़ें, देवी से अपने आप को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। क्या कहना चाहते हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पांडे है, वकील। इस पंडाल में जब आपने एंट्री किया, फिर कैसा लगा, क्या माहौल लगा आपको यहाँ पर आने के बाद? जो है मूर्ति देख कर जो है बहुत ही अच्छा अनुभव किया हमने, और ये जो प्रयास है इनका राम जी का जो है बहुत अच्छा लगा। जो है ये एक सांस्कृतिक धरोहर के साथ जो है, मैं ये बोलूँगा कि जो है आज आने वाली पीढ़ी के लिए जो है एक प्रेरणा स्रोत भी है, जो है कि लोग जो है आए देखें, दर्शन करें, और जो है हमारी पुरानी जो सभ्यता संस्कृति है उसका भी उनको एहसास होता है, और कहीं ना कहीं जो है आने नए बच्चों को जो है इससे प्रेरणा मिलती है और उनको लाभ भी मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। क्या कहना चाहते हैं सर, यहाँ पर आने के बाद आप सम्मानित भी हुए हैं, भंडारा भी पाए हैं, और कहीं ना कहीं माता रानी का जो दर्शन होता है, ये भव्य जो मूर्ति बनाया गया है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही बोलना है कि इस चीज़ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को जानने की कोशिश करें और इससे जुड़े, यही सबसे बड़ी हेतु है। जहाँ आज नवरात्रि का ज़माना है कि लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं, उस कल्चर के अंदर और उस पहनावे के अंदर और पूरी की पूरी एकदम विपरीत सोच के हिसाब से चल रहे हैं, आज इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह राम भाई ने जो यहाँ पे आयोजित किया है, इस तरह का कहीं ना कहीं एक लोगों को सबको एक संगठन करने का और सबको एकत्र करके एक यहाँ पे मंच है, एक यहाँ वो चीज़ है जहाँ लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है आज यहाँ पे जो भी है संख्या, चाहे 600 की हो या 700 की हो, ये यहाँ पे 6000 और 10000 के आसपास भी पहुँच सकती है। क्या नाम बताया सर आपने? उदय सिंह। चलिए थैंक यू सर। नवरात्रि के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ये जो नवरात्रि अभी चल रहा है और आप पंडाल में हैं, माँ दुर्गा के पंडाल में, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बहुत ही अति सुंदर जैसे है यहाँ का, और ये जो पुराना कल्चर इन्होंने बना के रखा हुआ है उसके लिए राम भाई और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे केरकर चैरिटेबल ट्रस्ट और साक्षात फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ पर नवरात्रि का जो उत्सव मनाया जा रहा है। विशेष कवरेज आप देखते रहिए भारत उदय समाचार पर, राहुल जगजीत के साथ। जय हिंद जय भारत। चलिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो एक भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, कवरेज करने के लिए इस आपकी टीम और आपके जो मालिक और संपादक ने भेजा है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं केरकर फाउंडेशन, साक्षात फाउंडेशन के सहयोगी और श्री राम भाई पाल और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पश्चिमी सभ्यता अपने भारतवर्ष पे किस तरह से हावी है, देख रहे हो आप, उसके बावजूद भी आज इस समय नवरात्रि के उत्सव में जितना लोग आज डंडिया राज के पीछे भाग रहे हैं, उतना इस धार्मिक प्रवृत्ति के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कम आते हैं। इसके बावजूद भी जिस तरह से ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है, हर दिन हजारों लोगों से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित होकर के और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और भव्य इस आयोजन में शरीक हो रहे हैं। और जैसा कि आप सुबह राम भाई पाल ने बताया है कि जैसा मैंने पूछताछ किया है उन्होंने कि एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने बताया कि जिस तरह से सुबह पूजा होता है, हवन होती है, फिर शाम को पूजा होती है, हवन होती है, और शाम को भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, इस तरह से निरंतर एक हफ्ते मतलब 9 दिन लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है। इसके पीछे कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए महीनों से कितना प्रयत्न करना पड़ता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए कितनी भारी राशि मुहैया कराने, मगर ये कार्यक्रम के आयोजक निःशुल्क, कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी व्यक्ति आकर के हवन में शरीक हो सकता है, इसका लाभ उठा सकता है। जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग इस भव्य ऐसे भव्य कार्यक्रम में कहीं उपस्थित होने का मौका नहीं मिलता है, हम लोगों को मौका दिया भी नहीं जाता कि आप निःशुल्क करके आकर के हवन के लिए बैठिए, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस फाउंडेशन को कि इन्होंने ऐसे पत्रकारों जैसे आप जैसे भाइयों को सबको आमंत्रित करके शरीक होने का, अभी देखा सुबह आज कई पत्रकार बंधु इसमें हवन में बैठे थे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपको आपके चैनल ने जो इस कार्यक्रम को प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज चरम सीमा पे पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, अपने ऐसे कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों परिवार को लेकर के शरीक हों और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि 9 चंडी यज्ञ जो हो रहा है इसमें हर चंडी यज्ञ का अलग अलग महत्व है, इसका लाभ उठाना चाहिए, इससे माता जगदम्बा की कृपा होगी, उसके हर मनोकामना पूरी होती है, 108 बार जैसे मेरे जैसे लोग चक्कर लगाते उसकी और ज़्यादा महत्व है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम हो? मैं दीनानाथ तिवारी,
मेट्रो दिनांक मैं संपादक के पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ, मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ का प्रेसिडेंट हूँ। आपको धन्यवाद।